जयपुर में विस्फोटक समेत एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों को सर्चिंग के दौरान यह कामयाबी मिली है और साथ ही एक टिफिन बम, डेटोनेटर, वायर और पर्चा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार नक्सली का नाम कमलू सोढ़ी बताया जाता है, जो कि जांगला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। और बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर एक बड़ा एक्शन लिया है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सली स्मारक ध्वस्त किए हैं। सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के तहत नक्सलियों के द्वारा तैयार किए गए 3 स्मारकों को आज बीजापुर में गिरा दिया गया। और इस बीच खबर आई दंतेवाड़ा से, जहां पर 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। लोन वर्राटू अभियान जो चलाया जा रहा है, इसी से प्रभावित होकर दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अभियान के तहत अब तक 170 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब तक कुल 669 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और उधर राजनांदगांव जिले में नक्सल सहयोगियों की सूची बनाई जाएगी। जिला पुलिस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। नक्सलियों की निगरानी के लिए सूचना तंत्र सक्रिय हो चुका है। नक्सली संगठन को कमजोर करने के लिए पुलिस अभियान भी चला रही है। और वहीं बालोद में राइस मिल परिसर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बहरहाल समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा होने से टल गया। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की बताई जा रही है। दरअसल सुबह 6 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा के लिए रवाना होने के लिए खड़ी थी, लेकिन तभी एसी कोच में अचानक से आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। आग लगने पर स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग की वजह से कोच के सीट पेट्रोल जलकर खाक हो गए। आरपीएफ के जवानों और रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। उधर सूरजपुर में कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अंबिकापुर और सूरजपुर की फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में कर लिया। तो आग लगने के कारण क्या रहे ये पता नहीं चल पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को काबू में कर लिया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सूरजपुर में ये कपड़ा दुकान बताई जाती है, जहां पर ये भीषण आग लगने की घटना सामने आई और लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हो गया। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो है आग जो लगी थी काफ़ी बड़े पैमाने पर यह फैल गई थी। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुँची और आग को बुझा दिया गया। बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां पर माल